हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और पूरे तरीके से स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक व्यूअर का मेरे पास कॉल आया था और उन्होंने मेरे से पूछा था कि वो एक सर्विस से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं वर्डप्रेस के ऊपर। तो जैसे कि हमारे जो व्यूअर हैं उन्होंने बताया कि वो एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और आधी वेबसाइट बना चुके हैं, एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इन एलिमेंटर। तो सेम मैंने वही यहाँ पर यूज़ किया है। मैंने एक, आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा के ऊपर जो है एक फ्री का जो है थीम इंस्टॉल कर लिए जो एक्स्ट्रा में मिलती है सर्विसेज से रिलेटेड। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स्ट्रा में बड़ी ही आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा कि आप अपनी सर्विसेज को किस तरीके से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी कार्ट वगैरह नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर सर्विसेज जो है वो डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें डायरेक्ट लिंक चाहिए होंगे। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है कि आप सर्विसेज को भी लिस्ट करने में वूकॉमर्स की हेल्प लें। आप डायरेक्ट जो है कार्ट को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने पहले एक वेबसाइट बनाई थी अपनी जो वर्डप्रेस पर थी, जहां मैं अपनी होस्टिंग्स जो है वो सेल करता था। तो वहां पर क्या होता था कि कार्ट स्किप होकर डायरेक्ट जो है वो सर्विस मेरी सेल होती थी। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दो तरीके होते हैं बेसिकली। पहला तरीका है, वैसे दोनों तरीके बहुत ही आसान हैं, ठीक है। पहला तरीका तो यह है कि आप सीधे जो पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और वहाँ पर आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जितने चाहें उतने। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पेयू मनी का डैशबोर्ड है ये, ठीक है। तो पेयू मनी में एक ऑप्शन होता है बटन का, आप यहाँ पर जितने चाहें उतने बटन क्रिएट कर सकते हैं और उनको लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत सारे बटन क्रिएट किए हुए हैं क्योंकि मैं जब जैसे जैसे काम करता हूँ उसी हिसाब से बटन क्रिएट कर लेता हूँ और डायरेक्ट लिंक जो है वो अपने यूज़र को दे देता हूँ, ठीक है, अपने क्लाइंट को दे देता हूँ, तो क्लाइंट डायरेक्ट पेमेंट कर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे एक न्यू बटन जो है वो क्रिएट करना है, तो मैं कैसे करूँगा या इसी में मेरे को कोई बटन एडिट करना। चलिए मैं आपको एक न्यू बटन क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये जो ऑप्शन है फॉर्म वाला लगभग हर पेमेंट गेटवे अवेलेबल कराता है। रिजर्व पे में भी है, ये पेयू मनी में है ही है, बाकी के पेमेंट गेटवे का मेरे को पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक है आज के टाइम में ये एक फॉर्म क्रिएट करने वाला जो ऑप्शन है ये लगभग हर पेमेंट गेटवे के अंदर है, ठीक है। चलिए मैं जल्दी से आपको एक पहले फॉर्म क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि पेयू मनी में किस तरीके से हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। अगर आपको अपनी सर्विस के लिए एक फॉर्म क्रिएट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और आप इसके लिंक को डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं और बड़ी आसानी से अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। तो क्रिएट न्यू बटन पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर पूछ रहा है चूज बटन टाइप, डोनेट, आपको डोनेशन चाहिए किसी के थ्रू या बटन टाइप चाहिए। बटन है, कलर है, इसमें साइज है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो ये एक आपको एक एग्जाम्पल के लिए, तो मान लीजिए आइटम का नेम क्या है, ये पूछ रहा है आइटम का नेम। हम चलिए वेबसाइट पर चलते हैं और मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये है, मैं ले लेता हूँ एंट्रेंस डोर्स, ठीक है, दिखाने के लिए है, कॉपी कर लेते हैं इसको और ये मैंने यहाँ पर डाल दिया एंट्रेंस डोर्स, ठीक है। अमाउंट कितना रहेगा, तो मान लीजिए एक फिक्स अमाउंट में अपने एरिया में दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं वो दे सकता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया 800 रुपये अमाउंट है उसका। अब यहाँ पर कस्टम डिटेल्स हैं, आप क्या क्या रखना चाहते हैं, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, ईमेल, तो आप इस तरीके से सब कुछ चूज कर सकते हैं, कस्टमर फ़ोन नंबर, ठीक है ना, और इनको अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस ऑप्शन है यहाँ पर, आप यहाँ पर सक्सेस यूआरएल ऐड कर सकते हैं, कैंसिल यूआरएल ऐड कर सकते हैं और फेलियर यूआरएल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सक्सेस यूआरएल क्या है, मान लीजिए मैं ये वेबसाइट का यहाँ से इस तरीके से इसको करता हूँ और यहाँ पर मैं ये इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो पेमेंट सक्सेस होने के बाद ऑटोमेटिकली जो कस्टमर है वो रिडायरेक्ट होकर मेरी डायरेक्ट होम पेज पर, वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो बटन्स क्रिएट यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। ये मैंने कर दिया 800 रुपये का अमाउंट और इस तरीके से मैंने एक फॉर्म ले लिया इसके अंदर, और फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ, आप इसके अंदर बहुत सारे एडिट कर सकते हैं, कस्टमर नेम आप यहाँ से इस तरीके से फीड इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्या आप रखना चाहते हैं, ये फिक्स है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। आप ऐड फीड यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से, किस टाइप का फीड आपको चाहिए, ड्रॉप डाउन, कैलेंडर, टेक्स्ट फीड, मान लीजिए आपको एक टेक्स्ट फीड और ऐड करना है, टेक्स्ट फीड आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप दे सकते हैं योर
रिक्वायरमेंट या इस तरीके से कुछ भी, एज और विश, योर रिक्वायरमेंट या जो भी आप देना चाहें, ठीक है, इस तरीके से। और ये मैंडेटरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये आप यहाँ से इसको इस तरीके से देखिए, ये मैंने मैंडेटरी कर दिया। तो यहाँ से आप इस तरीके से इनको मैंडेटरी कर सकते हैं ऑप्शंस को, जो जो मैंडेटरी हैं वो कस्टमर को फिल करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जाहिर सी बात है, अगर मैं एक सर्विस की बना रहा हूँ तो ये सारी डिटेल्स मेरे को चाहिए ही चाहिए, बिना इनके काम नहीं चलेगा, ठीक है। और अप्लाई किया और हम इसको करते थे जनरेट बटन, इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक लिंक जो है वो जनरेट हो गया। तो ये लिंक कैसे काम करता है, मैं यहाँ से इतना इसको कॉपी करूँगा यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी, और देखिए ये लिंक कैसे काम करेगा। यहाँ पर मैंने सीधे लिंक पेस्ट किया और इसको मैंने एंटर किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट जो मैंने फॉर्म जनरेट किया था वो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म ओपन हो गया, आप देख सकते हैं एंट्रेंस डोर, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं लिंक जो है बनाकर अपने प्रोडक्ट में ऐड कर सकता हूँ। मान लीजिए अब मुझे यही जो है लिंक डायरेक्ट एंट्रेंस डोर में ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी एक दूसरा बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये भी आपका जानना जरूरी है कि पेमेंट गेटवे भी इस तरीके से आपको ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। अब मान लीजिए मैं सीधे एलिमेंटर में आ गया और मैंने यहाँ पर एंट्रेंस डोर में यहाँ पर आ गया मैं, और यहाँ पर मैंने लिंक जो है वो पेस्ट कर दिया, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपने हिसाब से ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया बाय नाउ, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर और कर देता हूँ कि ओपन ए न्यू टैब, न्यू टैब में ये ओपन होना चाहिए, और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो एक तरीका तो बहुत ही आसान तरीका है, आप यहाँ पर जो है सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे प्राइस ऐड कर लीजिए जो भी आपका प्राइस है, और बाय नाउ का इस तरीके से बटन बनाइए और अपनी सर्विसेज जो है वो सीधे सेल करिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चेंजेस हुए या नहीं हुए। तो आप देखेंगे बाय नाउ का बटन आ गया, और इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ यहाँ से, और देखिए अभी मैं बाय नाउ पर क्लिक करूँगा इस तरीके से, तो आप देखेंगे सीधे जो है जो हमने फॉर्म जनरेट किया था वो ओपन हो गया। तो एक तरीका तो बहुत ही आसान तरीका है, अगर आपको कोई समझ में नहीं आता तो एक तरीका तो ये है सीधे पेमेंट लेने का, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हम अपनी वेबसाइट पे 2-3 पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या, गो बैक जाएंगे, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। तो दोस्तों एक तरीका तो ये हो गया, बड़ा ही नॉर्मल सा है, लेकिन इसमें मैं समझ सकता हूँ आपका जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि भाई इसमें टैक्स भी हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब मान लीजिए कि हम पेमेंट जो है वो सिर्फ अपने सिटी वाइज ही लेना चाह रहे हैं, अब इसमें तो कोई भी सबमिट कर सकता है, तो ये तो भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक ऑप्शन दिखा दिया है। अब दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ हम वूकॉमर्स की हेल्प लेंगे। तो आप समझ सकते हैं वूकॉमर्स के अंदर हम पिन कोड वाइज सब कुछ सेटिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप उसको कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। तो वूकॉमर्स में आप क्या करेंगे, चलिए हम ये स्लाइडिंग डोर्स को ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधे वूकॉमर्स में आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम यहाँ जाएंगे और यहाँ हम करेंगे ऐड न्यू, इस तरीके से एक प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, नए प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर स्लाइडिंग डोर्स जो है इसको मैं सेल कर रहा हूँ, और तो यहाँ पर मैं स्लाइडिंग डोर ले लेता हूँ इस तरीके से, और ये मैंने कर दिया डेमो आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और प्राइस इसका डाल देते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, हमें वू कॉमर्स को ये बताना है कि ये वर्चुअल प्रोडक्ट है, तो हमने इसको वर्चुअल प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर वर्चुअल में क्या होता है, COD VOD सब ऑफ हो जाते हैं, COD वर्चुअल में कभी भी इनेबल नहीं रहता, ठीक है। तो हमने वू कॉमर्स को बता दिया कि भाई ये वर्चुअल प्रोडक्ट है, अभी रेगुलर प्राइस डाल दीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने इसका कर दिया 1600 रुपये, और एक मैंने इसका प्राइस करने एक दिखाने के लिए, एक्स्ट्रा दिखाने के लिए, सेल दिखाने के लिए मैंने कर दिया 1560 रुपये, ठीक है। इन्वेंट्री क्या रहेगी, इन स्टॉक रहेगा, हमें कुछ नहीं करना, बस इन स्टॉक रहेगा, क्योंकि हम सर्विसेज सेल कर रहे हैं, ठीक। अभी क्या है, यहाँ पर भी हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डेमो डाल देते हैं, और यहाँ से हम ले लेते हैं सर्विसेज, मैंने कैटेगरी ले ली। मैं इसमें फ़ोटोज़ वोटोज़ ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर वू कॉमर्स का एक यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे फ़ोटोज़ की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी शॉप या स्टोर जैसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ कोई मेरे सारे प्रोडक्ट्स देखेगा, ठीक है ना। तो ये तो मेरे को सिर्फ सर्विसेज चूँकि डायरेक्ट सेल करनी है, इसलिए मैं वू कॉमर्स की हेल्प ले रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर जो मेरे टैक्स वगैरह या ETC जो भी मैंने सेटिंग्स करी हैं वो प्रॉपरली काम करेंगे, ये चीज़ आप समझ सकते हो अगर आपने वू कॉमर्स में काम किया है तो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं सीधे पब्लिश कर देता हूँ।
अब आपकी मर्जी है। देखिए इसमें बहुत आप में से बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है लेआउट वगैरह को लेके, तो मैं सिर्फ ये तरीका दिखा रहा हूँ, मैं अपने व्यूअर को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो आपका सर्विस का लिस्टिंग का इशू था, जो आपको लिस्टिंग को लेके कन्फ्यूजन था, वो आप कैसे कर सकते हैं। बाकी आप अपनी वेबसाइट को जितना अच्छा चाहें उतना अच्छा बना सकते हैं एलिमेंटर और एक्स्ट्रा के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया और हमारे प्रोडक्ट का नेम क्या है, स्लाइडिंग डोर्स, ठीक है। अब हम यहाँ आ जाते हैं वापस, हम जाएंगे ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को ऐड कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आईडी की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आईडी, तो आपको इस आईडी की ज़रूरत पड़ेगी और आपको एक शॉर्ट कोड की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सा शॉर्ट शॉर्ट कोड है, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। हम वापस चलते हैं, देखिए इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर पे मैंने बनाया था बाय नाउ का बटन, तो ये शॉर्ट कोड है जिसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ये शॉर्ट कोड मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से कॉपी करके अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट कोड क्या है देखिए, अभी हम क्या कर रहे थे, स्लाइडिंग डोर पर मान लीजिए एक सर्विस है स्लाइडिंग डोर, जो ओनली मैं अपनी सिटी में जो है दे रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है वू कॉमर्स में मैं सारी सेटिंग्स कर चुका हूँ पहले ही, अभी बस मैं प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ। तो मैं आ गया यहाँ पर रीड मोर में और यहाँ पर मैंने लिंक ऐड कर दिया, ये लिंक मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। लिंक क्या है, लिंक मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, हफ और इस तरीके से है, ये मेरी वेबसाइट का लिंक हो गया, ये मेरा चेकआउट पेज हो गया और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी हो गई, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी क्या है हमारी, प्रोडक्ट आईडी है 539 यानी कि 539। तो मैंने प्रोडक्ट आईडी को कॉपी कर लिया और यहाँ पर आके जो प्रोडक्ट आईडी है सिर्फ मेरे को वो चेंज करनी है इस तरीके से, ये मैंने प्रोडक्ट आईडी चेंज कर दी, ठीक है। कहाँ ओपन होना चाहिए, इसको मैं डायरेक्ट ही रखूँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यू टैब की ज़रूरत नहीं है, अच्छा लगेगा डायरेक्ट यहाँ पर प्रोसेस हो, ठीक है। अभी यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं इसको बाय नाउ, बाय नाउ हमने कर दिया। अभी इसमें आप अपने हिसाब से, आपको पता होगा बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, मान लीजिए आपको प्राइजेज ऐड करने हैं तो, या आपको इस तरीके से कुछ भी करना है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, मान लीजिए मैं यहाँ पर इसके प्राइजेस भी दिखाना चाहूँ इस तरीके से, व्यू मैं एक बार व्यू कर लेता हूँ और मैं यहाँ से प्राइजेस को कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से। मान लीजिए मैंने प्राइजेस कॉपी कर लिए, कॉपी कर लिए और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पर इस तरीके से नीचे दिखाने के लिए, ठीक है। ये देखिए प्राइजेस ऐड हो गए, तो आप अपने हिसाब से प्राइजेस ऐड कर सकते हो इसके अंदर। और ये देखिए यहाँ पर इसका टेक्स्ट में कलर वालर आप चेंज कर सकते हो एज योर विश, ये सब आप कर लीजिएगा, डिज़ाइन विजाइन। और आप यहाँ पर लिख सकते हो 18% एक्स्ट्रा, जो भी आपको लिखना है अगर आप जो टैक्स वगैरह ले रहे हो तो, ठीक है। तो हमने एक जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली लिस्ट कर लिया अपने फ्रंट पेज पर, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सर्विसेज हैं वो हम फ्रंट पेज पर ही सारी अपनी लिस्ट करेंगे, और इसको हमने अपडेट कर दिया। तो अभी इसमें होगा क्या, हम एक बार जाते हैं इसको रिफ्रेश कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बाय नाउ का बटन आ गया। अभी अभी क्या होगा, जैसे ही मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, डायरेक्ट ये देखिए बाय नाउ पर क्लिक करते ही मैं सीधे चेकआउट में आ गया, देख रहे हैं। चूंकि मैं पहले भी कर चुका हूँ तो पहले के भी यहाँ पर देखिए इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर आ रहा है, तो ये मैं डायरेक्ट चेकआउट में आ गया और यहाँ से मैं सीधे इसको चेकआउट जो है वो कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इसको मैं एक बार सही कर देता हूँ दिखाने के लिए आपको, कार्ट, ये हम कार्ट में आ गए सीधे आपको दिखाने के लिए ये, और मैं जो है इसको रिमूव कर देता हूँ, अपने कार्ट को खाली कर देता हूँ कि काम करता है या नहीं करता। तो हमने कार्ट को खाली, देखिए आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन हम चूंकि हमें सीधे सर्विसेज सेल करनी है तो हम कस्टमर को नहीं दिखा रहे हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन बैकग्राउंड में सब कुछ काम कर रहा है। तो हम वापस आ जाते हैं, हमने अपना कार्ट जो है वो एम्प्टी कर दिया। अभी देखते हैं बाय नाउ करके, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है कोड की प्रॉब्लम थी, थोड़ा टाइम लगा मुझे इसे सॉल्व करने में, आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सर्च किया इसके बारे में। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि डायरेक्ट चेकआउट में नहीं जा रहा है, ठीक है ना, पहले कार्ट में जा रहा है। अगर डायरेक्ट चेकआउट का हम जो कोड ऐड कर रहे हैं वो एरर दे रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो वर्डप्रेस है, ये चीज़ मैं पहले बहुत पहले यूज़ कर चुका हूँ, अभी वर्डप्रेस का है अपडेट हो चुका है, जिसमें बहुत सारे कोड्स जो हैं जो काम नहीं करते, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, वरना
आप ये कोड जो मैं अभी दे रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट जो प्रोडक्ट है वो कार्ट के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि आपको यहाँ जाना है वू कॉमर्स में सेटिंग के अंदर, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन होता है प्रोडक्ट के अंदर ऐड टू कार्ट बिहेवियर, तो आपको रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, ये आपको जो है इस पर क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है, ठीक है। इसको चूज करना है आपको, और आप इसको भी चूज कर सकते हैं, इसको आपको सेव कर देना है इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया और वापस आ जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर जो है अभी हम करेंगे बाई नाउ बटन, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1560 रुपये है, तो सीधे प्रोडक्ट जो है वो कार्ट में आ गए। ये देखिए दो प्रोडक्ट यहाँ पर कार्ट में आ गए, इंस्टॉलेशन रिपेयर एंड ये। अभी ये मान लीजिए मैं इसको बंद कर देता हूँ इस तरीके से, इसको भी मैं हटा देता हूँ और वापस चलते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे अभी बाय नाउ ये करेंगे, प्रोडक्ट जो है वो सीधे 1450 रुपये आ गए सीधे कार्ट के अंदर। तो यहाँ से सीधे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कोड का एरर है मे बी, मुझे ये भी लग रहा है, मैं आपको दोनों कोड दूंगा, आप दोनों कोड यूज़ करके देखिएगा। मुझे एक चीज़ और लग रही है कि ये वर्डप्रेस इसलिए इस तरीके से बिहेव कर रही है क्योंकि मेरे इस पर SSL जो है वो नहीं है, इसका भी एरर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अब पहले अभी थोड़ी देर पहले सही कर रही थी काम, अभी एकदम से काम करना बंद कर दिया, तो कभी कभी डिफरेंट बिहेव हो जाते हैं वेबसाइट के, वेबसाइट डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगती है। SSL का बहुत बड़ा रोल रहता है इसके अंदर, SSL अगर वेबसाइट पे हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये डेमो है इसीलिए इसमें SSL मैंने इंस्टॉल नहीं किया। लेकिन आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं और आप इस तरीके से जो सर्विसेज है उनको ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और उनको सीधे सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी और सवाल हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, ताकि इस तरीके की जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ 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 जो लॉकडाउन है उसका पालन करिए, खुद को सेफ रखिए, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को ये लग सकता है कि हम तो बीमार पड़ेंगे नहीं, कोरोना वायरस को हम में से बहुत से लोग जो है वो बहुत ही हल्का ले रहे हैं। याद रखिए ये हल्का नहीं है, जब इटली जैसे देश ने और USA जैसे देश ने इसके आगे घुटने टेक दिए, तो आप इसको समझ सकते हैं हल्का बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा, ये बहुत ही खतरनाक वायरस है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।